स्टूडेंट्स, आपका हमारे क्लास में स्वागत है। तो थंबनेल देखकर आप जान ही गए होंगे आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हम पहले समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसमें देखिए, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इसे कहते हैं आयोटा। आयोटा आप लोगों ने रूट, जैसे माइनस फाइव है तो ये जो माइनस यहाँ पर होता है इसी को डिनोट करता है ये आयोटा। तो एक हो गया रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो पहले हम समझेंगे रियल नंबर के बारे में, इमेजिनरी नंबर बाद में देखेंगे जब किस चैप्टर इसका बताएंगे तब। तो रियल नंबर में एक होता है विथ डेसिमल, एक होता है विथाउट डेसिमल। तो विथ डेसिमल में होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कहने का मतलब टर्मिनेट मतलब होता है खत्म होना, खत्म होना। इसमें ना ही खत्म होते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। जैसे कोई नंबर हम ले लिए 2.30305077 8, इसी तरह चलता रहेगा। जैसे यहाँ ले लिया 3003, फिर 30, फिर 340, इसी तरह ये मतलब पैटर्न चलता रहेगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा। इसमें होता नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें खत्म नहीं होता लेकिन रिपीट करता है। जैसे 3.6666, अब यहाँ पर शॉर्ट में हम ये बहुत बार सिक्स लिखा जाएगा तो इसे हम सिक्स बार कहते हैं। बार मतलब सिक्स को बार बार रिपीट करना। तो यहाँ देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीट हो रहा है, सिक्स 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 सिक्स, कई बार सिक्स लिखा जाएगा। और दूसरा होता टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब जैसे हमने लिख दिया 3.5, कोई भाग दिया तो 3.5 आ गया, तो ये टर्मिनेट हो गया पूरा, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। 7.2 ये भी टर्मिनेट हो गया। तो ये हिसाब से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कहने का मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होंगे और ना ही रिपीट होंगे। इसमें देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें रिपीट होंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। टर्मिनेटिंग में इसमें खत्म हो जा रहे हैं और रिपीट का कोई वही नहीं। अब आया विथाउट डेसिमल। तो विथाउट डेसिमल आप नंबर लाइन में देखे होंगे, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये सब क्या हो गए विथाउट डेसिमल, कहने का मतलब इसमें डेसिमल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम रियल नंबर के बारे में जान चुके। अब रियल नंबर के अंदर आप लोगों ने देख पढ़ा होगा रैशनल नंबर भी होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो आप लोगों को बताते हैं जो रैशनल नंबर होते हैं, ये पूरा पार्ट, ये यहां से लेकर ये, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। इस पूरे पार्ट को रैशनल नंबर कहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते और नहीं ना ही रिपीट होते। सिर्फ इस वाले पार्ट को ही हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है और रैशनल नंबर ये है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यों क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर क्यों जीरो हो जाएगा तो क्यों बाई जीरो ये अनडिफाइंड टर्म है। इसको हम एक कॉन्सेप्ट के रूप में लेते, कॉन्सेप्ट मतलब इस वैल्यू को हम इन्फिनिटी कहते, कहने का मतलब ऐसा कोई नंबर जो बहुत बड़ा हो उसको हम इन्फिनिटी से बता सकते हैं। जो जैसे कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर जो किसी सबसे बड़ा हो उसी को हम कहेंगे इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा। और दूसरा हो गया पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर के अंदर भी कई पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर के अंदर पार्ट होते हैं जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, और इसके अंदर होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर और यहां होते हैं कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। तो देखिए इसमें कितने प्रकार के नंबर आ गए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इन सबको हम, जैसे ये वाला है आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं।
तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं, ये भी लिखे जा सकते हैं, ये भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होते ना ही रिपीट होते हैं, इसीलिए सॉरी ये रिपीट होते रहते हैं और कभी भी ये इस तरह का रूप नहीं धारण कर सकते, इसीलिए इनको अलग ही बांट दिए इरेशनल नंबर। और ये है रैशनल नंबर, इसको भी हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी। अब ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में है ही, क्योंकि हम इसके नीचे वन मान सकते हैं, पी अपॉन क्यू, यहाँ क्यों क्या जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों वन हो सकता है, तो ये हो सकता है। आप समझते हैं इवन नंबर, इवन नंबर वो उनको कहते हैं जो दो से कट जाते हैं, जो दो से कट जाते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर उनको कहते हैं जो दो से नहीं कटते हैं, दो से कटने के वाले क्या हो गया, दो हो गया, चार हो गया, आठ, दस, इसी तरह जो दो से कट जाए वो इवन नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर के बारे में जब बताएं तो तीन हो गया, एक को छोड़ के, एक को अगर हम छोड़ दें, एक से जितने भी बड़े होंगे, एक से बड़े नंबर उनको हम कहेंगे ऑड नंबर। जैसे दो हो गया, दो नहीं, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, और भी नौ हो गया, ग्यारह हो गया, तेरह, तो ये सब ऑड नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे, जैसे दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, ग्यारह हो गया, ये सब क्या है, एक से कटेंगे और खुद से कटेंगे। कंपोजिट नंबर उन नंबरों को कहते हैं, कंपोजिट नंबर उन नंबरों को कहते हैं जो जिनका फैक्टर दो या दो से अधिक होता है, जैसे चार हो गया, चार का फैक्टर देखिए दो भी है, वन भी है और फोर भी है, तो जिनके फैक्टर दो से ज्यादा होंगे उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर उन नंबरों को कहते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, कॉमन फैक्टर, जैसे पांच ले लिया और दो ले लिया, देखिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, तो उनको कहेंगे को प्राइम नंबर। तो ये सब हो गया, अब इसमें कुछ चीजें और छूट रहे होंगे तो उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।